हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंड्रॉइड टीवी हेल्पर में आपका स्वागत है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज का हमारा वीडियो है माउस टूगल ऐप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने रिमोट से ही माउस टूगल ऐप यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी माउस परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आज आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा या कैसे यूज करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखना। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, जो आपका जो टीवी का प्ले स्टोर है उसको यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर सर्च में जाना है, उसमें आपको डाउनलोडर ऐप डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोडर ऐप टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोडर ऐप यहाँ पर आ गया है। डाउनलोडर ऐप है, उसको यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको अपडेट भी कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे यहाँ पर अपडेट है, तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। और जो भी परमिशन मांगे उसको आपको एलो करना होगा। फिर आपको यहाँ पर URL एंटर करना है। तो जो यहाँ पर मैं जो URL टाइप करता हूँ आपको वही टाइप करना है। फिर आप यहाँ से डायरेक्टली वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जो URL टाइप करता हूँ आपको सेम टू सेम डालना है, 53402। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 53402, तो वही आपको URL टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको गो पर ओके कर देना है, तो जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको गो पर ओके करना है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गया है। थोड़ी देर यहाँ पर आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट ओपन हो गया है। फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 डॉट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर प्रॉपरली ओपन हो गया है। फिर यहाँ पर आपको जो 3 लाइन है उस पर आपको ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है ट्यूटोरियल्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, इस पर आपको ओके करना है। थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स यहाँ पर ओपन हो गया है। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, माउस फॉर एंड्रॉइड टीवी डिवाइस, इस पर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर ओपन हो गया है। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो एप्लीकेशन यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड्रॉइड टीवी डिवाइस के लिए जो फर्स्ट वाला है उस पर आपको ओके करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड नाउ पर आपको ओके करना है, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग हो रहा है और ये डाउनलोड हो गया है। तो फर्स्ट में यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है, और जो आपका जो अननोन सोर्स का जो सेटिंग है वो अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ से डायरेक्टली अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंस्टॉल फॉर अननोन ऐप्स, तो यहाँ पर आपको एलो कर देना है। फिर आपको ये बैक करना है, और फिर से आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। तो फिर से आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर ओके करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंस्टॉल करना है, और ये एप्लीकेशन ऑल एंड्रॉइड टीवी डिवाइस के लिए वर्किंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्टॉलिंग कम्प्लीट हो गया है। फिर आपको यहाँ पर सब कुछ बैक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर इंस्टॉलिंग कम्प्लीट हो गया है। फिर यहाँ पर आपको डन पर ओके करना है, और यहाँ पर आपको सब कुछ बैक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो एप्लीकेशन आ गया होगा, जो एंड्रॉइड टीवी के लिए माउस टूगल का ऐप है वो यहाँ पर आ गया होगा। और फिर आपको इसको ओपन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से वो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट ग्रांटेड लिखा आ रहा है, और यहाँ पर नोट रनिंग लिखा आ रहा है, तो आपको सेटिंग ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आपको ये एप्लीकेशन बैक कर लेना है, और आपको सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आप यहाँ पर आपको सेटिंग पर ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, उस पर आपको ओके कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिवाइस प्रेफरेंस में जाना है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंस पर ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एसिबिलिटी की यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी, उस पर आपको ओके करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसिबिलिटी यहाँ पर ऑप्शन है, उस पर आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको माउस टूगल सर्विस है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इनेबल करना है, इनेबल करना है, और यहाँ पर कन्फ्यूज़र पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, और उस पर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रांटेड लिखा आ गया है, और फिर आपको यहाँ पर फिर से बैक करना पड़ेगा, और फिर से सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। फिर से आपको यहाँ पर ऐप में जाना है, तो यहाँ पर ऐप पर ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पेशल ऐप एक्सेस, उस पर आपको ओके करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले और अदर ऐप, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर जो वो एप्लीकेशन है माउस टूगल का, उसको यहाँ पर परमिशन में
यहाँ पर आपको एलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट एलाउ है, उसको यहाँ पर एलाउ करना है, तो यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। तो आपका जो माउस टूकल सर्विस है वो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर से वो एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से वो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको उसमें क्या सेटिंग करना है और किसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेंटेड लिखा आ गया है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर रनिंग हो गया है। फिर आपको कैसे माउस टॉगल ओपन करना है, तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको डिटेक्ट में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ओके करना है। फिर आपको अपना रिमोट लेना है, उसकी कोई भी की यहाँ पर 3 सेकंड प्रेस करनी है, उससे ही एप्लीकेशन कंट्रोल होगा, यहाँ पर ऑन होगा एंड ऑफ होगा। तो जो आपका टीवी का रिमोट में ज़्यादा की है तो आप दूसरी भी कोई यहाँ पर की ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्म के लिए यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम आई टीवी का यहाँ पर रिमोट में कम की आती है, तो मैंने यहाँ पर बैक बटन यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक बटन को यहाँ पर प्रेस करना होगा, तो जो आपका जो माउस टूगल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस टूगल यहाँ पर ओपन हो गया है। और आपके रिमोट में ज़्यादा की है तो आप दूसरी भी कोई यहाँ पर की ऐड कर सकते हैं, जो आपकी अनयूज की हो उसको ही ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल मोड करना है, तो यहाँ पर आपको एक बार ओके करना है। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल मोड ऑन करेंगे तो आपको ऊपर नीचे एंड साइड में आप स्क्रॉल कर सकते हो। और फिर से आपको इसको डिसेबल करना है, तो आपको जो वो की है उसको फिर से आपको प्रेस करना है, आपको एक बार ओके करना है, तो यहाँ पर स्क्रॉल मोड ऑन हो ऑफ हो जाएगा और जो माउस है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से मैंने यहाँ पर माउस ऑन किया है, तो आप माउस यूज़ कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर क्लोज कर देना है, तो आपका जो रिमोट है उसको ही कंट्रोल करना है, तो आपको प्रेस करना है, जो आपकी की है बैक का बटन मैंने यहाँ पर रखा है, तो उसको यहाँ पर आपको प्रेस करना है, तो आपका जो रिमोट है वो वर्क करने लगेगा। और आपको फिर से ऑन करना है, तो उसको जो हमने की रखी है बैक का बटन उसको आपको प्रेस करना है, तो फिर से जो माउस है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिर से माउस ऑन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और सभी एंड्रॉयड टीवी में एंड जो एम आई बॉक्स है वो सभी में ये वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से ये बेस्ट वर्क करना है। और आपको स्क्रॉल मोड ऑन करना है, तो यहाँ पर आपको फिर से वो बटन है बैक का, उस पर आपको ओके करना है, तो यहाँ पर स्क्रॉल मोड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल कर सकते हो, और आप रिमोट की कोई भी की यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रॉल मोड मैंने यहाँ पर डिसेबल करना है, तो एक बार आपको ओके करना है, और आपको पूरा ही डिसेबल कर देना है, तो आपको इसको प्रेस कर रखना है, फिर आपका रिमोट है वो वर्क करने लगेगा। तो मुझे तो सबसे बेस्ट ये माउस टूगल ऐप लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी जो दूसरी सेटिंग है उसके बारे में बता देता हूँ आपको, जो इसका कर्चर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, माउस की साइज़ यहाँ पर स्मॉल कर सकते हो या आप लार्ज कर सकते हो, जो इसका जो स्क्रॉल स्पीड है उसको भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको सभी सेटिंग मिल जाएगी, एंड आपको कोई भी यहाँ पर की है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ जाना है। आपको रिमोट की जो दूसरी की यहाँ पर ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपको डिटेक्ट में जाना है, तो यहाँ पर आपको रिमोट की कोई भी की यहाँ पर प्रेस करनी है 3 सेकंड, तो आपकी वो की ऐड हो जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।